असलम स्टूडेंट्स आई एमशा सेट यूर ऑन स्क्रीन केमस्ट्री इंस्ट्रक्टर फ्राम टिया डॉट पी के स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट द वेरी लास्ट चैप्टर ऑफ आर बुक दैट इज़ एनाटिकल केमस्ट्री स्टूडेंट्स चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं एनाटिकल केमिस्ट्री को स्टूडेंट्स हमने अपने ग्रेड के स्टार्ट में और उससे पहले एलेवंथ ग्रेड में मुख्तलिफ्री के कॉन्सेप्ट को नई नई ब्रांचेस को एक्सप्लोर किया अब हम अपने लास्ट चैप्टर में एक्सप्लोर करने जा रहे हैं द वेरी मॉडर्न फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री दैट इज़ एनालिटिकल केमस्ट्री स्टूडेंट्स सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टडीज़ एंड यूजेस इंस्ट्रूमेंट्स एंड मैथड्स यूज टू सेपरेट आइडेंटिफाई एंड क्वान्टिफाई मैटर यानी कि स्टूडेंट्स हम अनालसिस करते हैं इसमें मुख्तलिफ चीज़ों का केमिकल अनालिस करते हैं आप ये देख सकते हैं इसके अंदर इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के अंदर के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में स्टूडेंट्स हम यूज़ करते हैं इसको उसके अलावा कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं हम एनालिसिस करते हैं एनालिसिस स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमेशा दो तरह का होता है जब हम केमिस्ट्री की या केमिकल अप्रोच रखते हैं आपके पास स्टूडेंट्स एनालिसिस होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वान्टिटेटिव एनालिसिस इन दोनों टाइप्स ऑफ एनालिसिस से हम डील कर रहे होते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब मैं बात कर रही हूँ क्वालिटेटिव एनालिसिस की आई बेसिकली मीन के स्टूडेंट्स मैं ये देखना चाह रही हूं कि हमारे प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में या केमिकल कंपाउंड के अंदर असल में किस तरह का एलिमेंट प्रेजेंट है यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको प्रोवाइड करता है आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस यानी कि कंपोजिशन बता रहा होता है कि केमिकल कंपाउंड की क्या है जैसे कि स्टूडेंट्स आप एनालिसिस करते हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स का आप एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है जैसे स्टूडेंट्स आप एनालिसिस करें कम्बर्शन एनालिसिस करें सोडियम का करें पोटेशियम का करें कॉपर का करें तो स्टूडेंट्स वो डेफिनेट कलर देने लगते हैं जब वो डेफिनेट कलर देंगे तो स्टूडेंट्स वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में बता रहे होंगे और कलर वो क्यों इम्पार्ट कर रहे होते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है आपके नॉलेज में है अच्छी तरह से कि आपके पास जो मैटर है वो एटम से कंपोज़्ड है एटम्स क्या करते हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स के स्पेसिफिक एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और वो रिलीज जब करते हैं तो वो आपको इन द फॉर्म ऑफ लाइट नज़र आती है जैसे स्टूडेंट्स इस केस में आप देख सकते हैं कि जब आप एलिमेंटल एनालिसिस कर रहे होते हैं लीथियम का सोडियम का पोटेशियम का कॉपर का तो डिफरेंट कलर्स आपको इम्पार्ट कर रहे होते हैं जैसे स्टूडेंट्स आपके पास कॉपर है वो तब आइडेंटिफाई होता है जब कॉपर अपना कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंटल एनालिसिस में ब्लू कलर दे रहा होता है बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम एलिमेंटल एनालिसिस में कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम एनालिसिस में अपना गोल्डन येलो कलर देता है इसी तरह स्टूडेंट्स दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं इसके कंपैरिजन के साथ स्टूडेंट्स इसमें कुछ कंफ्यूजन भी होती है लेकिन एम्बिगविटी खत्म हो जाएगी आपकी जब मैं डिफाइन करूंगी क्वांटिटेटिव एनालिसिस को स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस ओवरव्यू दे रहा होता है कि कितनी क्वांटिटी में एक एलिमेंट आपके ऑर्गेनिक के केमिकल कंपाउंड में प्रेजेंट है यानी कि स्टूडेंट्स इट डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सैंपल यानी कि स्टूडेंट्स अगर मैं एग्जांपल दूं टाइट्रेशन एनालिसिस की तो ये गलत ना होगा यानी कि आप उसमें बता रहे होते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ प्रेजेंट है पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ डेसीमी और आप एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू क्वांटिटी जस्टिफाई कर रहे होते हैं या क्वांटिटी बता रहे होते हैं कि एसिड या बेस की आपकी सैंपल में कितनी थी यानी कि ये एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है तो स्टूडेंट्स ये था एक ब्रीफ सा कंपैरिजन बिटवीन क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस आगे चलते हैं स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं बारी बारी क्लासिकल मैथड्स ऑफ एनालिसिस को एंड मॉडर्न ऑफ एनालिसिस को थैंक यू